हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बैकनेक की कटिंग और स्टिचिंग दोनों भी देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही कटिंग करके रखी है ब्लाउज पीस की। ये मेन फैब्रिक है, ये इसका अस्तर वाला फैब्रिक है। तो हम अस्तर वाले फैब्रिक पर नेक की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट्स ले लेते हैं। तो यहाँ हम गले की चौड़ाई लेंगे, तो आप जितनी भी रखना चाहें आप अपने हिसाब से रखें। मैं यहाँ पर 2.5 इंच और दो उसकी मतलब 2.75 इंच जितना ले रही हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मैंने गले की चौड़ाई ली है, और गले की जो डीपनेस है वो आप अपने हिसाब से देखिएगा। मैं यहाँ पर 12 इंच ले रही हूँ, और उतना ही जितना हमने ऊपर गले की ब्रॉडनेस रखी है उतनी ही ब्रॉडनेस मैं यहाँ पर रख रही हूँ। अब ये हम जोड़ लेंगे इस तरह से। अब फ्रेंड्स इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम नीचे की साइड में लेते हैं 3.5 इंचेस पर। तो यहाँ पर एक बार हम इस तरह से लाइन लगा देंगे। और इसके बीच में हम रखेंगे बिल्कुल 1/2 इंच जितना फासला, पर 1/2 इंच पर और एक बार निशान लगाएंगे। अब इस वाली साइड को हम राउंड शेप दे देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसे राउंड शेप दे देंगे। और ये जो नीचे वाली साइड है इसमें हम अपनी डिज़ाइन बनाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम इसकी डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसकी कटिंग कर ली है। और अगर हम खोलकर इसे देखें तो देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह से लग रहा है। अब हम इसकी पूरी स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अब मेन फैब्रिक को मैंने रखा है सीधा, ये उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है। तो सीधी साइड में मैंने मेन फैब्रिक को रख लिया है, और अस्तर वाला फैब्रिक मैंने इसके ऊपर रखा है। तो सबसे पहले हम ये वाली सिलाई लगाएंगे, नीचे वाली बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे, और कपड़े को हम बिल्कुल एक साथ रखेंगे इस तरह से, ये देखिए फ्रेंड्स, और इसके ऊपर सीधी सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमने लगा ली सीधी सिलाई बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब लगाएंगे इस पूरे नेक को सिलाई। तो यहाँ पर हम कपड़े को बिल्कुल ठीक से रखेंगे, और अब हमें इसके पूरे नेक में सिलाई लगानी है, जैसे कि इस तरह से यहाँ से पूरी यहाँ तक। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने पूरे में अब सिलाई लगा ली। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसके बीच का, ये हम निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने बीच में का जो भी कपड़ा था उसे निकाल लिया है। अब हम इसे थोड़े थोड़े से नॉच लगाते हैं, जिससे कि अच्छे से और जल्दी से पलट जाएगा। तो मैं इसको हर जगह से बिल्कुल थोड़े थोड़े से नॉच लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने इसमें नॉचेस लगा लिए हैं। अब हम इसको पलट देते हैं सीधी साइड में। तो इस तरह से हमें ये सीधी साइड में पलट देना है। तो फ्रेंड्स, अब हम ये सभी साइड से सिलाई लगाएंगे, और इसके जो कोने हैं इसको हम इस तरह के स्क्रू ड्राइवर से, या फिर आप किसी भी तरह का कोई आपके पास नुकीली चीज़ हो तो उससे आप निकाल लीजिए, क्योंकि कोने निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन फिर ऑल ओवर तो ब्लाउज़ बहुत अच्छा लगने वाला है। तो फ्रेंड्स, हमने इसकी पूरी साइड्स में सिलाई लगा ली। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।